तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अनुज स्टडी पॉइंट। तो क्लास टेंथ के जो भी छात्र 2020 में एग्जाम दिए थे, वैसे छात्रों के लिए मन में एक ही सवाल आ रहा है कि आखिर मैट्रिक का रिजल्ट यहां पर कब जारी किया जाएगा। बहुत सारे न्यूज चैनल वाले यहाँ पर बता रहे हैं कि कॉपियों का मूल्यांकन पूरी तरह से सम्पन्न हो गया है और रिजल्ट आज आ रहा है। तो क्या रियल में यहाँ पर आप लोग को रिजल्ट आ रहा है, सारा लाइव प्रूफ के साथ मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो में बने रहिए, सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह के आप लोग को रियल न्यूज वाले वीडियो आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अगला वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे, क्योंकि इस पर 100% रियल न्यूज मैं लाता हूं। तो यहां पर देख सकते हैं आप लोग को बताया गया है कि 15 मई तक बढ़ाई गई कॉपियों की जांच की तिथि, फिर से यहाँ पर कॉपियों को मूल्यांकन को लेकर यहाँ तिथि की बढ़ोतरी की गई है, बढ़ाई गई है। जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैं बताया था कि यहाँ पर आप लोग को कॉपियों को मूल्यांकन की तिथि को फिर से विस्तार किया गया था, तो 14 मई तक विस्तार किया गया था। और लेकिन यहाँ पर फिर से आपको आज की इस वीडियो में जो न्यूज आया, इसमें 15 मई तक कॉपियों को मूल्यांकन को विस्तार फिर से यहाँ पर बढ़ाया गया है। तो आखिर यहाँ पर लगातार कॉपियों को मूल्यांकन की तिथि बढ़ाती जा रही है, आखिर कारण क्या है और रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया जाएगा, बने रहे इस वीडियो में, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं ये भागलपुर का आपको न्यूज मैं बता रहा हूँ। भागलपुर में जैसा कि बोला गया कि जिला में 6 मूल्यांकन केंद्र पर चल रहे मैट्रिक की कॉपियों की जांच का काम 3 मूल्यांकन केंद्र पर पूरा हो गया। अभी 3 मूल्यांकन केंद्र पर काम चल रहा है। मिर्जा नाहाइट शिफ्ट में CMC स्कूल तथा जिला स्कूल में कॉपियों की जांच का फिर फीकी पड़ रही है। इन दोनों में केंद्रों पर कॉपियों की जांच की पूरी तरह के लिए अंतिम तिथि 15 मई तक रखी गई है। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि कॉपियों को मूल्यांकन लॉकडाउन में 6 मई से 10 मई तक लक्ष्य रखा गया था कि कॉपियों को मूल्यांकन जितना भी बिहार में कॉपियों को मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं उन पर पूरी तरह से कॉपियों को मूल्यांकन को पूरा कर लेना था। लेकिन पटना के साथ साथ यहाँ पर हाजीपुर और भागलपुर में भी कॉपियों को मूल्यांकन 10 मई तक कॉपियों को मूल्यांकन पूरी तरह से सम्पन्न नहीं किया गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे बिहार में मूल्यांकन केंद्र है जहाँ पर कॉपियों को मूल्यांकन पूरी से संपन्न कर लिया गया है। जैसा कि आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि कॉपियों को मूल्यांकन पूरा जितना बिहार में कॉपियों के मूल्यांकन सेंटर बनाए गए हैं उन पर पूरी तरह से कॉपियों को मूल्यांकन नहीं किया जाता, तब तक के रिजल्ट में आप लोगों को वेट करना होगा। क्योंकि जब तक कि पूरी तरह से कॉपियों को मूल्यांकन नहीं हो जाता है तब तक आप लोग को रिजल्ट यहाँ पर अनाउंसमेंट नहीं किया जाता है। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर भागलपुर में अब 15 मई तक कॉपियों को मूल्यांकन की तिथि को बढ़ा दिया गया है। लेकिन आप लोग वेटिंग करिए, आप लोगों को कॉपियों को जितना भी मूल्यांकन तेजी ढंग से किया जा रहा है बिहार बोर्ड के द्वारा, बहुत ही जल्द यहां पर आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिलेगा। 2 से 3 दिन के अंदर यहां पर कॉपियों को मूल्यांकन पूरी तरह से आप लोगों को संपन्न कर लिया जाएगा और रिजल्ट अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ एक और न्यूज दिशा की देख सकते हैं यहाँ पर मुजफ्फरपुर से निकल कर आ रही है, जो यहाँ पर बताया गया है कि मैट्रिक की 3 केंद्रों पर मूल्यांकन केंद्र में हुई एंट्री में देरी। जैसा कि आप लोग को पिछले वीडियो में भी मैं बताया था कि कॉपियों को मूल्यांकन होने के बाद डायरेक्ट यहां पर ऑनलाइन एंट्री किया करवाया जाता है, जितना भी जो भी स्टूडेंट का जितना नंबर आता है और ऑनलाइन एंट्री होकर बोर्ड में सीधे पहुंच जाता है और वहाँ मार्कशीट तैयार हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप लोग को मैथ का कॉपियों को मूल्यांकन आज हुआ, तो मैथ में जितना नंबर आया जो भी स्टूडेंट का, तो यहाँ पर आप लोग को मैथ का नंबर चला जाएगा और उसके बाद इंग्लिश का, फिर हिंदी का, संस्कृत का, इस तरह से आप लोग को मार्कशीट शेड्यूल से तैयार होते रहता है। यहाँ आप लोगों को बताया कि मैट्रिक की उत्तर पुस्तिकाओं की मूल्यांकन केंद्र पर 6 मूल्यांकन केंद्र में 3 मूल्यांकन केंद्र पर जांच पूरी हो गई है और इनमें 2 मूल्यांकन केंद्रों पर ऑनलाइन एंट्री हो रहा है और यहां पर बताया जा रहा है कि 2 केंद्रों पर 2 दिनों में मूल्यांकन की एंट्री हो जाएगी। यानी कॉपियों को मूल्यांकन पूरी तरह से यहां पर संपन्न कर लिया गया और एंट्री का काम 2 दिन और चलेगा। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि कॉपियों को मूल्यांकन पूरी तरह से संपन्न होने के बाद आप लोगों को टॉपर का वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप लोग वेट करिए, आप लोग को रिजल्ट बहुत ही बेहतर दिया जाएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड पूरी तरह से आप लोग को तैयारी कर लिया है कि कॉपियों को मूल्यांकन बेहतरीन ढंग से किया जाए और रिजल्ट में किसी प्रकार की भी परेशानी ना हो और रिजल्ट जल्द यहां पर अनाउंसमेंट किया जाता है। तो जैसे ही आप लोग को रिजल्ट आता है तो इस चैनल पर सबसे पहले आप लोग को मैं वीडियो लाइव प्रूफ के साथ लाकर चेक कर बताऊंगा, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अगला वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।